Good morning, students. Today we will start our grammar chapter. It is your Punjabi grammar book. The name of the book is Nav Amar di Punjabi Vyakaran ate Lekh Rachna. Today we will start our first chapter. The name of the chapter is Boli ya Pasha. Next we will start. Pasha ya Boli unna saathak shabdaan da sumel hunda hai jis rahi vyakti apne man de paava te vicharanu prakat karte hain. Downside definition is written. भाषा वो साधन है जिसके द्वारा असी अपने मन के भाव बोल के या लिख के प्रगट करते हाँ भी भाषा वो साधन होंदा है जिन्दे नाल कि अपने मन के विच जो भी विचार है अपने जो भी व्यूज़ है वह आप कि दूसरे अगे बोल के या लिख के उन्हों प्रगट कर सकते हाँ क्योंकि अपने मन च जो भी विचार होंगे दूसरों दसन के लिए अपन की भाषा की लोड़ पैंदी है आप जेकर अपने को भाषा होगी अपने को अखर होणगे तो आप अपनी व्यूज़ में एक दूजे के सामने रख सकांगे इस तरह की भाषा एक अजिहा साधन है जिसते नहीं जिसके राही अपने जिहड़े मन के जो विचार हैं जो भी अपने व्यूज़ हैं आप बोल के दूसरों को दस सकते हाँ जिमें कि उपर एग्जाम्पल्स दिया एक सेब रोज़ खाओ बीमारी नू दूर पजाओ एक ही डॉक्टर की बच्चे नू एडवाइस दे रहा है तो वह कि अपनी बोल के एडवाइस देकर जेकर उनके कोल भाषा हैगी है ताइयों बोल के बच्चे नू एडवाइस दे रहा है जेकर अपने को भाषा नहीं होएगी तो अपने मन के जो भी विचार है आप एक दूसरे नू नहीं दस सकांगे। नैक्सट बोली या भाषा की उत्पत्ति यह कहा जाता है कि भाषा की उत्पत्ति तो पहला आदमनुख अपने मन के भावों और विचारों प्रगट करने जानवरों की तरह आवाज़ा करता सी हौली हौली शरीरक इशारों के नाल ते बाद विच थोड़े थोड़े निरार्थक शब्द बोली बनते गए कि कहते हैं जो भाषा होंद नहीं आई सी तो उदों की मनुख के जेड़े भी व्यू से जेड़े भी विचार से मनुख की है उन्होंने प्रगट करन दे नहीं जिमें जानवर आप सुनते जानवर की आवाज़ा होंदिया उमें मनुख भी जानवर की तरह आवाज़ा करता सी पर हौली हौली की है वह शरीरक इशारों के नाल अपनी गल समझाउन लगा भी जो भी उन्हें कहना हुंदा सी वह की है इशारा करके एक दूसरे को समझाउंदा सी अजकल भी जिहड़े लोग गूंगे हुंदे हन वह कि अपने मन के विचारों कि इशारों के राही एक दूसरे दसते हैं तो उदा कि पहला इंसान को भाषा नहीं सी तो अपने मन के विचारों की है सिर्फ इशारे करके ही दसदा तो हौली हौली की है जो थोड़े थोड़े निरार्थक शब्द से हौली हौली उसने थोड़े थोड़े अक्षर सीखने शुरू कर दिते जिन्हों का कोई अर्थ नहीं हुंदा सी तो वह कि है हौली हौली वह निरार्थक शब्द भी की है बोली बनते गए। नैक्सट बोली या भाषा दिया किस्मां या भेद फस्ट इस आम बोलचाल की बोली या भाषा सैकेंड लिखती या साहित्यिक भाषा थर्ड राष्ट्रीय भाषा फोर्थ अंतरराष्ट्रीय भाषा फस्ट इस आम बोलचाल दी बोली या भाषा इस बोली विच व्याकरण दे नियमां नू नहीं परख्या जांदा आम बोलचाल विच वरते जाण वाले शब्द वरते जांदे हन ते कई बार दो दो कोहां ते बोली दा फर्क भी वेखण नू मिलदा है कि इहदे विच की है आपां नू जरूरी नहीं हुंदा वी जो व्याकरण दे नियम हन क्योंकि जेकर आपां लिखती भाषा लिखनी उहदे विच की आपां नू नियमां दे अनुसार लिखनी पैंदी आपां नू सिहारी बिहारी औंकड़ दुलैंकड़ सारी की व्याकरण दे नियम हन उहनां दे अनुसार की आपां ने भाषा नू लिखना पैंदा है पर जिहड़ी की आम बोलचाल दी बोली है जदों जिहड़ी आपां भाषा बोलदे हां उहदे विच की इहनां चीज़ां नू नहीं वेख्या जांदा आपां आम तौर ते कुछ अजिहे शब्द वरत दिंदे हां जिन्हां नू आपां लिखती भाषा दे विच नहीं लिख सकदे इसे करके जिहड़ी आम बोलचाल दी भाषा उहदे विच व्याकरण दे नियमां नू नहीं वेख्या जांदा ते बोली कि दो कोहां ते बोली दे फर्क भी वेखण नू मिलदा है भी कई बार कि इलाकियां दे जिवें जिवें अलग अलग इलाके हुंदे जाने इलाकियां दा डिफरेंस आउंदा जांदा उवें कि जिहड़ी अपनी भाषा या बोली है वह भी की है अलग अलग हुंदी जांदी है जरूरी नहीं भी हरेक इलाके की बोली सेम होवेगी हुण अपनी बोली अलग है जेकर आपां किसी होर एरिया 'च जाने अमृतसर कपूरथले वल जाने उन्हां दे एरिए की बोली अलग आ जिवें जिवें कि एरिया चेंज हुंदा उवें उवें जिहड़ी बोलचाल दी भाषा है वह बदलदी जांदी है।